अरे क्या बक रही है तू? मैं तो बाहर से ही आ रही हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तुझे किसने बताया? अरे अम्मा मुझे क्या, सारे शहर में बात फैल चुकी है। एक तुम सुन पट्टी जिसे कुछ नहीं पता होता। अरे नहीं नहीं मैं नहीं मानती, जरूर तुझसे किसी ने झूठ बोला है। अरे अम्मा मैं क्यों झूठ बोलूंगी, वो जो नुमान है ना उसने हीरो की तरह खड़े होकर सारे मोहल्ले में ऐलान किया है अपनी और फायजा की शादी का। अल्लाह मेरी तौबा, तेरी बेहयाई। मुझे तो बेचारी कुलसुम खाला पर तरस आ रहा है, धूल टके की इज्जत रह गई है सारे मोहल्ले में उनकी। तो और क्या, अरे मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है बेचारी कुलसुम पे। अरे वो कुलसुम जो बशीर जैसे लोगों के सामने शेरनी बन के खड़ी हो जाती थी। आए बस बेचारी अपने बच्चों के हाथों मारी गई। हालांकि मुझे तो ये लग रहा था कि वो फायजा की शादी उस लड़के के साथ करने के लिए राजी है और मेरे सामने नाटक कर रही है, लेकिन ना भाई, वो फायजा कितनी तेज निकली, नाटक तो असल में वो कर रही थी। और अब सारी औलाद तुम्हारी बेटी जैसी शरीफ फरमाबरदार थोड़ी होती है। एक मैं ही हूँ बेचारी जो हर चीज में सबर शुकर कर लेती है। अरे बस रहने दे, जितनी तू नेक और शरीफ है ना ये तो मैं जानती हूँ। अगर वो फाहद तुझे मुंह लगाता होता ना तो तू मेरी परवाह ना करती बेटा। फाहद का तो तुम रहने ही दो, वो भी मौजूद था वहाँ, पता है भिनक नहीं लगने दी उसने हमें, लगा रहा है वहाँ उस मलिहा की मरहम पट्टी करने।